अनंत वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अनंत वर्ल्ड विश्व का प्रथम भक्तांबर क्लिनिक जो रोहिणी दिल्ली में स्थित है। अनंत वर्ल्ड में मंत्रों के माध्यम से संपूर्ण विश्व में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य पाने की कला सिखाई जाती है। इससे पहले अगर आप किताब पढ़ोगे इसकी या कुछ देखोगे, बार बार ये कहते हैं फेथ बेस्ड हीलिंग है नहीं? अगर आपको विश्वास है तो ये अचूक दवाई है, और अगर विश्वास नहीं है तो भैया पानी नहीं है, कुछ नहीं है। तो विश्वास का होना बहुत जरूरी है ना? इसी को हम सम्यक दर्शन कहते हैं। उसमें कहेंगे तो मैं आपको एक दो बातें बताता हूँ, एक तो आजकल की भाषा में ही बताता हूँ। मेरे साढ़ू डॉक्टर है तो उनके पास बहुत मरीज आते हैं। तो एक आया 60-65 साल की उम्र का आदमी होगा, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे कमजोरी बहुत है, बहुत कमजोरी है। डॉक्टर साहब ने उसको टेस्ट करा तो उन्होंने पर्ची पर लिख दिया कि जहाँ इंजेक्शन लगवा दो। तो उसने इंजेक्शन लगवा दिया, ठीक हो गया। हफ्ते भर तक गाड़ी ठीक चलती रही, फिर दोबारा आया डॉक्टर साहब फिर कमजोरी आ गई है। डॉक्टर साहब ने फिर लिख दी तो जाओ इंजेक्शन लगवा दो। ऐसे वो 7-8 बार आया, फिर एक दिन कहता है डॉक्टर साहब मुझे बता दो ना किस चीज़ का इंजेक्शन है, मैं अपना आप लगा लिया करूँगा तुम्हारा। तो डॉक्टर साहब कहता तो आके लगवाता ही रहे, अगर मैं तुझे बता दिया किस चीज़ का है तो उसका असर खत्म हो जाएगा, है ना? वो पानी का इंजेक्शन लगाता था। तो ये विश्वास जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर विश्वास है तो नहीं है। अब ये हीलिंग का सवाल है, इसके हम कैसे करें? देखिए मानतू आचार्य ने आदिनाथ भगवान की भक्ति की है, एंड यू नो वी आर जैन्स, वेयर इज आदिनाथ? आदिनाथ तो सिद्ध लोक में बैठ गए हैं, वो कुछ करेंगे हमारा? कर सकते? दूसरा हम ये कहते हैं जितने सिद्ध हैं सब एक समान है, ठीक है नहीं? अब वो सिद्ध कहाँ है? वो मेरे अंदर बैठे हुए हैं, मेरी जो शुद्ध आत्मा है यही सिद्ध है, इसी में शक्ति है। तो जब हम भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं तो ऐसे हाथ करके करते हैं, करते नहीं करते ऐसे कि भाई जो भगवान की मूर्ति है उसको अपने पास लाके यहाँ पे रखते हैं, और आप मूर्ति देखते हो ऐसे देख के करते हैं कि भाई बिल्कुल अपने साथ करते हैं, ऐसे आहिस्ता करते करते उसको छोड़ देते हैं, किसी तरह ऐसे ध्यान लगाते रहते हैं। What I am trying to tell you is, friends, you have the power. Your soul has the power. It has no disease. It can do anything. Sit mein to yehi hai na? So this faith is very important. If you don't have this faith, you cannot achieve anything. Mantra mein sab bekar ho jayega. And if you have this faith, you will achieve anything. Dekhiye shastron mein katha aati hai anjan chor ki. आपने सुनी होगी। तो ये चोर थे, बहुत बड़े डाकू थे ये। एक दिन राजा के चोरी करते हुए पकड़े गए, तो पकड़े जाते हुए भागते भागते जा रहे थे, पीछे में सिपाही जा रहे थे, तो थोड़ी देर रुके थे, साधु दिख गए उनके जैसे, कहने मुझे बचाओ मुझे बचाओ। उन्होंने कहा कुछ नहीं, नमो सिद्धारण का जाप करते रहे तो ठीक हो जाएगा। तो वो करता रहा, वो भूल गया बस, ताड़न 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 ताड़न, वो तिर गया, आगे चले गए, उसका कल्याण हो गया। तो ये विश्वास की शक्ति है। अब मैं आपको आजकल की देखिए एग्जांपल देता हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द लाइन किंग? लाइन किंग एक पिक्चर आई थी, देखी थी किसी ने आपको? किसी ने ये कथा सुनी है लाइन किंग की, कि वो एक शेर का बच्चा होता है, छोटा जंगल में रहता है, उसका चाचा जो है ना उसके बाप को मार देता है, वो भाग जाता है और जंगलों में भेड़ के साथ रहने लगता है, रहता नहीं रहता है। अब वो भेड़ों की भाषा बोलता है। एक दिन वो शेर गुर्राता आया उसका चाचा, तो सबके सब भेड़ भागने लगे, भागते भागते वो भी उनके साथ भागा। जब भागा तो उसने मुड़ के देखा, अब फिर भागते भागते मैं इन भेड़ों से अलग हूँ, लो जी ये तो होते, उसने कहा, चिल्लाया, आवाज भी वैसी आई, बस उसमें शक्ति आ गई। उसने भेड़ों को इकट्ठे करके और शेर को खत्म कर दिया राजा के मरा। सो भाइयों, जब तक आपके अंदर फेथ नहीं होगा कि आपकी आत्मा में शक्ति है,
ये नहीं होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक बार ये आपके अंदर आ गई ना, तो ये जो है ना उन्होंने दिया है, ये पैनिशिया है। 45वां श्लोक पढ़ लो, जब ये कहते हैं अचूक है खत्म, तो ये एक बहुत बड़ा है। मेरे बता, मैंने पहली बार अटेंड किया है, तो बात करना बहुत करता हूँ। दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत फूलो बढ़ो। अब मैंने इनको कमिटमेंट किया कि एक दो सेशन मैंने करवाने हैं। आई विल स्पॉन्सर दैट प्लीज फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। ठीक है, देखिए ना, भाती के बच्चा भी देखते हैं, जब भाती का बच्चा पैदा होता है ना, उसको बहुत मोटी जंजीर से बांधा जाता है। इतनी मोटी जंजीर वो होती है कि वो कितनी कोशिश करता है छूट नहीं पाता, और जब वो बड़ा हो जाता है ना, उसकी छोटी पतली रस्सी से बांध दिया जाता है उसको, दिमाग में।